इसको हटा दो, अपने जीवन से निकाल दो, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी चीज को लेके ना एक्सट्रीमिस्ट मत बनो, है ना। आजकल ऐसा समय चल रहा है, देखो कोई भी कम्युनिटी और कोई भी रिलीजन खतरे में नहीं है। मैं बता दूं आपको, कोई भी कम्युनिटी और कोई भी रिलीजन खतरे में नहीं है, खतरे में है तो इंसानियत है। सही बात बता रहा हूं, सुनना, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता आज के डेट में, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को खत्म नहीं कर सकता। सबके पास न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम है, लेकिन चलाने की औकात किसी की नहीं है। खत्म करना चाहे ना तो एक बार में ना पूरा देश का देश उड़ा उड़ा देगा, नागासाकी और हिरोशिमा याद है। सबके पास न्यूक्लियर पावर, वो है, न्यूक्लियर पावर है आज के डेट में, मैक्सिमम कंट्री के पास एटम बम, हाइड्रोजन बम है, तो कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। बकलोली मत करो, जब भी चुनाव आता है ना तो ऐसी चीजें होने लगती है कि कम्युनिटी खतरे में है, वो इसको मार देगा, ये इसको मार देगा। सब नेता, मंत्री, विधायक ऊपर ऊपर खेलते हैं, और जो एक्चुअल में सफर करता है ना वो छोटे छोटे लोग होते हैं। और एक्चुअल में ये बात बताना और करना थोड़ा जरूरी है, थोड़ा तो जरूरी है। हमेशा चुनाव के समय ही हिंदू और मुस्लिम खतरे में आ जाते हैं, चुनाव खत्म बस बाद में सब कुछ ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये ना दो चार लोग होते हैं जो भाषण देके किसी लोगों, कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को भड़का के गायब हो जाते हैं। आज तक तूने सुना है किसी दंगे में किसी नेता, मंत्री, विधायक मरा हो? सुना है नेता, मंत्री, विधायक कभी किसी दंगे में मरा हो? सुना है कभी? नहीं सुना ना। कोई खतरे में नहीं भाई, कोई खतरे में नहीं है, जबरदस्ती तुमको भड़काया जाता है, ये खतरे में है, वो खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। और जो रिलीजन है ना, धर्म है ना, वो एक सीखने की चीज है, शो ऑफ करने की चीज नहीं है। वो आपके भले के लिए, आपको सही रास्ते पे चलाने के लिए है, दिखावे के लिए नहीं होता। आप यहाँ पे कमेंट में जय श्री राम लिख के क्या प्रूफ कर देंगे, या अल्लाह कमेंट में लिख के क्या प्रूफ कर देंगे? कुछ नहीं प्रूफ करके पाएंगे भाई, देश दुनिया बहुत आगे निकल चुका है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। आप भले ही दिन में श्रद्धा से 5 बार जय श्री राम बोलते नहीं होंगे, लेकिन 5 जगह जाके कमेंट जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज को लेके ना आप एक्सट्रीमिस्ट बनते जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन कहीं खतरे में नहीं है भाई, किसी को मारने से कुछ नहीं होगा, का इमोशन है। और जो आम जनता है वो बिल्कुल अलग है उन चीजों से। और तुम ना एक पर्टिकुलर रिलीजन से हो, एक पर्टिकुलर चीजों को बचपन से देखते आ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट है, होनी भी चाहिए। तुम्हारे लिए वो क्या हो गया, तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें वो हो गई, किसी दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो सही है, तुम्हारे लिए वो गलत थोड़ी ना हो गया भाई। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, चीजों का देखने का तरीका अलग है चीजों का, कोई सही कोई गलत नहीं है। रिलीजन का सही यूज करो, समझ गए, बकलोली मत करो। तो यहां पे मैं वही समझा रहा था कि सवाल